सो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले ये आज की वीडियो को शाउट आउट। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए मेरे वीडियोस में तो नीचे वीडियो में कमेंट कर देना। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप मजे में हो गए। तो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं क्राफ्टिंग बिल्डिंग। और गाइस, आज मैं क्राफ्टिंग बिल्डिंग में वार्डन को स्पॉन करने वाला हूँ, जो गाइस न्यू वाला मॉब आया है उसको। तो गाइस, वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाले, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो गाइस। सो ओके गाइस, ये रहा हमारा लोकेशन, यहीं पर मैं वार्डन को स्पॉन करने वाला। तो गाइस, जो चीज़ हमें चाहिए उसका नाम रेड प्लैंक्स, उसके बाद गाइस जैक ओ लैंटर्न, उसके बाद ग्लो लीचन, और लास्ट में आपको चाहिए मैग्मा ब्लॉक्स। तो गाइस, ये चार चीज जो हम लोग को जरूरत होगी। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को रेड प्लैंक्स ले लेना है, और जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको लगाना है। तो गाइस, आप लोगों को अगर आयरन गोलम स्पॉन करने आता होगा तो बिल्कुल आप वैसे ही इसको लगा देना है। उसके बाद गाइस, ग्लो लीचन लेके आपको ऐसे लगा देना है। उसके बाद गाइस, देखना इसका लुक कितना अच्छा हो जाएगा। तो गाइस, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को मैग्मा ब्लॉक लगा देना है। तो गाइस, जैसे जैसे मैं यहाँ पे डिग कर रहा हूँ ब्लॉक्स को, वैसे वैसे आप कर देना और उसमें मैग्मा ब्लॉक लगा देना। तो गाइस, मैं जल्दी जल्दी लगा दे रहा हूँ मैग्मा ब्लॉक यहाँ पे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे फाइनली डिग कर लिया चारों तरफ से। अब देख लो, कुछ ऐसा लुक आएगा। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। अब आप लोगों को ये जगह खाली है यहाँ पे मैग्मा ब्लॉक को लगा देना है। तो गाइस, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लगा दे रहा हूँ मैग्मा ब्लॉक को। तो गाइस, आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। ये देख लो, कुछ ऐसा लुक आएगा पूरा मैग्मा ब्लॉक लगाने के बाद। और गाइस, अब आप लोगों को जैको लैंटर्न को लेके इसके हेड पे जाके वहाँ पे लगा देना है। जैसे आप आयरन गोलम में पम्पकिन को लगाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें लगा देना है। तो गाइस, अगर वार्डन स्पॉन हो जाएगा तो उससे मुझे बचना भी होगा ना। तो गाइस, मैं सबसे पहले अपना बचने के लिए कुछ जुगाड़ यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो गाइस, ये कैसे लग जा रहा है उल्टा पुलटा। तो गाइस, मैंने फाइनली इतना लगा लिया, बीच में से मैं इसे तोड़ देता हूँ। यहाँ से व्यू आने के लिए अच्छा रहेगा, वो जब स्पॉन हो जाएगा तो हम लोग उसको देखेंगे यहाँ से। तो गाइस यार, कैसे भी स्पॉन हो जाए यार, मैंने बहुत मेहनत किया है इसको स्पॉन करने के लिए। तो गाइस, मुझे तो लग रहा है जरूर स्पॉन हो जाएगा। मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ, सर्वाइवल कर लेता हूँ। आप लोगों को भी सर्वाइवल कर लेना है, तभी स्पॉन हो पाएगा। तो गाइस, अब फाइनली बारी आ गया है जैको लैंटर्न को वहाँ लगाने का। उसके बाद हमारा वार्डन स्पॉन हो जाएगा, आप लोग देखना कितना कूल रहेगा। तो गाइस, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए स्पॉन। तो ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जैको लैंटर्न को। तो गाइस, मैंने यहाँ पे लगा दिया और गाइस ये देखो आ गया। तो गाइस, ये तो छोटा सा एकदम आया है। गाइस, मैंने जहाँ तक पिक्चर्स में देखा है उसको, वो बड़ा होता है। ये गाइस बहुत छोटा है, पता नहीं कैसे हुआ। तो गाइस, शायद मुझे और बड़ा बनाना चाहिए था वहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। ये गाइस बहुत छोटा है, लेकिन देखो कितना कूल लग रहा है गाइस। और अगर गाइस आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये जो वार्डन होता है ये ब्लाइंड होता है, ये आप लोगों को देख नहीं सकता है। आप लोगों का बस आहट सुन के आपके पास आ सकता है। तो गाइस, अभी मैं हिल नहीं रहा हूँ, नहीं तो ये मुझे पकड़ लेता, मतलब जान जाता कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो गाइस, जैसे ही मैं हिलूंगा देखना ये जान जाएगा। अभी तो मैं हिल नहीं रहा हूँ, बस इधर उधर होकर दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि ये कैसा दिख रहा है। तो ओके गाइस, ये देखो ये इधर आके खड़ा हो गया यहाँ कैसे। तो गाइस, क्या बोलते हो, मैं इसे एक बार मार के देखूँ क्या, शायद ये मुझे फिर मार दे अगर मैं इसे एक बार मारूँ तो। तो गाइस, लेकिन मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो गाइस, मैंने इसे मार दिया, इसे अभी पता नहीं चल रहा कि इसे कौन मार रहा है। शायद ये ब्लाइंड है ना, इसलिए इसको नहीं दिख रहा है। तो गाइस, मैं अभी यहाँ पे हिल गया हूँ तो इसको मेरी आहट पता चल गई और मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मुझे यहाँ से भागना चाहिए गाइस, नहीं तो मुझे ये मार देगा। तो गाइस, मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ अब, उसे शायद से नहीं पता चल रहा है, उसे आहट नहीं सुनाई दे रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो गाइस, यहाँ से मैं उसे दूर से देख रहा हूँ वो कर क्या रहा है। तो गाइस, ये देखो कैसे पागल जैसे मैग्मा ब्लॉक पे इधर उधर चल रहा है। तो गाइस, उसने फिर से लगा मुझे देख लिया। तो गाइस, मैं तो डर गया था। नहीं नहीं गाइस, सच में उसने देख लिया फिर से मुझे, मतलब आहट सुन लिया। मैं यहाँ से भागता हूँ, वो फिर से चला गया, उसे फिर से नहीं सुनाई दे रहा लग रहा है। ये देखो कैसे वो मैग्मा ब्लॉक पर चल रहा है, वो पागल हो गया है। वो सोच रहा होगा कहाँ मैं आ गया हूँ, मुझे यहाँ पर किसने लेके आ गया। तो गाइस, मैं जाकर उसे मार देता हूँ। अब शायद उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा जा चुका होगा, मैं उसे मार देता हूँ फाइनली। तो गाइस, मैंने इसे फाइनली मार दिया है। तो गाइस, मैंने तो सोचा था कि बड़ा वाला आएगा, लेकिन यार गाइस ये तो बहुत छोटा था। शायद मुझे और बड़ा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, तभी वो आता। तो हाँ गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी। और गाइस, ये वीडियो बस इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मैंने बनाया था। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।